कोई भी हो, चाहे लंगड़ा हो, लंगड़ा हो, काना हो, चाहे डेमोक्रेसी हो, कोई भी हो, मैं अपना सब कुछ, जमीन जायदाद सब कुछ उसके नाम कर दूंगी। बस जो कोई भी मुझसे शादी करना चाहता है वो अपना नंबर कमेंट में डाल दे, मैं देख लूंगी। और लेकिन कोई ऐसा हो जो मेरे साथ साथ मेरी बेटी का भी ख्याल रखे। वो सामने रही। ये रही सामने, ये उसका बच्चा है सर। यही बच्चा है इसका ना। हाँ जी, वो आफी थी ना, वो जो बता रही थी शादी वादी के बारे में कुछ। आप कौन भाई? वो वीडियो देख कर आए थे आपका। यही पे रहती हो आप? यही पे ही रहती हूँ। वो क्या बात था, वो शादी वादी के लिए बता रही थी कुछ की शादी वादी करनी है आपको। बहुत सारे ऐसे मेरे पास भी नंबर आने लगे बहुत सारे कि भाई इससे शादी करने के बाद जो भी है वो देख लो। हाँ भैया बोलो। यही आपका बच्चा है? ओले ओले चुप कर, आ जाओ। क्या था वो शादी वादी के बारे में बता रही थी? आप ही थी ना वो? हाँ भैया मैं ही थी। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम रिम्पा है मेरा नाम। अच्छा अच्छा, बहुत बुरा वो चल रहा है हमारे घर में ना, बहुत प्रॉब्लम चल रही है। इस वजह से ही वो उस दिन वो भैया आए थे, उन्होंने भी यही सब पूछा था कि क्या हुआ, मतलब तो बताया हर चीज की। हमारे घर में बस कोई नहीं है देखने वाला, बस मेरे ससुर ही हैं और सिर्फ मैं। अच्छा, वो आपके ससुर थे ना? मेरे ससुर थे वो, जो गार्ड है ना वो शायद। अभी कहाँ है वो? अभी वो काम पे ही गए हुए हैं। अच्छा, काम पे ही गए हैं। अच्छा, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से काम लो। क्या बात है, मतलब बता सकते हो क्या बात है आपके साथ? मतलब यही है कि एक डेढ़ साल पहले मेरे हस्बैंड जो है वो हमारा साथ छोड़ के चले गए हैं, तो मतलब अब उनके बाद में ना घर का खर्चा पानी ढंग से चल नहीं पा रहा। अच्छा अच्छा, मेरे जो ससुर जी वो भी बूढ़े हो चुके हैं और वो एक गार्ड की नौकरी करते हैं, तो इतनी सैलरी नहीं हो पाती है कि घर का किराया और वो सब ढंग से चल सके, खर्चा पानी भी। अच्छा अच्छा, और फिर ये बेटी भी हो गई मेरी, 8 महीने की बेटी है। 8 महीने की ये बेटी है। हाँ, क्या हुआ था आपके हस्बैंड के साथ? उनकी तबीयत खराब चल रही थी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हमने उन्हें एडमिट कराया। हाँ। हमारे पास फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों ने ये बोल दिया कि इनका इलाज जो है वो प्राइवेट में होगा। अच्छा अच्छा, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे भैया कि हम प्राइवेट में इलाज करवा पाए, तो इस चक्कर में। अच्छा, रो मत आप। वो क्या शादी के लिए बता रही थी? मतलब शादी, मतलब किस टाइप के लड़के से आप करना चाहती हैं, मतलब क्या है? मतलब भैया मेरे दिल में भी नहीं थी कि मैं शादी करूंगी, लेकिन जब फिर पापा ने समझाया कि बेटा देख, अब मैं भी इतना वो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ, एक बेटी भी है तो कैसे करेगी तू आगे, मैं चाहता हूँ कि तू शादी कर ले ताकि बेटी को भी एक अच्छा भविष्य मिल सके। तो मैंने भी समझा, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी एक ऐसे लड़के से हो जो मेरे साथ साथ मेरी बेटी का भी ख्याल रखे। अच्छा अच्छा, और मैं उस दिन भी एक बात और बताना चाहती थी, जब वो भैया आए थे वीडियो बनाई थी उन्होंने कि मेरे पास कुछ गहने भी रखे हुए हैं, मतलब 1.5-2 लाख के होंगे वो भैया। अच्छा, और ये जो जमीन भी दिख रही है ये भी, ये वाली? हाँ। अच्छा अच्छा, ये जमीन और 5 लाख की FD भी है, वो कुछ टाइम बाद आने वाली है, वो भी मैं सब जो भी चीज है मेरे पास सब मैं उसी के इनाम कर दूंगी जो मुझसे शादी करेगा। अच्छा अच्छा, और हमारा ख्याल रखेगा क्योंकि भैया वही मेरे लिए सब कुछ होगा, अगर वो हमें रखेगा, हमारा ख्याल रखेगा, हमारे लिए सब कुछ करेगा तो। इसके साथ साथ मुझे भैया सिलाई भी आती है। और रोइए मत, सब नॉर्मल हो जाएगा। दोस्तों ये आप इनको देख रहे हो, और इनसे अगर शादी करने का जो भी इच्छुक लोग हैं वो मुझे बताएं, यहाँ पे कमेंट करके अपनी राय दें और अपना नंबर यहाँ पे शेयर करें जो इनसे शादी करना चाहती है। हम लोग बात करने की, मैं भी यही चाहती हूँ आपकी वीडियो के माध्यम से, मतलब कि कोई भी अगर मुझसे शादी करना चाहता हो, मैंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया है कि क्या है मेरे पास और क्या नहीं है, जो भी मुझसे शादी कर सके वो। आपके घर में बस आप हो और आपके मेरे ससुर और मेरी बेटी है बस। अच्छा, बस ये 3 लोग हैं। तो अब आपके ससुर क्या बताए, कितना वो इनकम करते, कितना वो कमाते हैं? 7,000 रुपए कमाते हैं। 7,000 रुपए वो कमाते हैं ना। 7,000 से तो घर तो नहीं चल पाता वो अच्छे से, भैया किराया भी देना पड़ता है, ये जो दिख रहे हैं झोपड़ी भी दिख रही है इसका भी किराया है भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, खाना पीना भी देखना पड़ता है तो नहीं हो पाता। अच्छा, उन्होंने समझाया मुझे कि बेटा देख तुझे शादी तो करनी पड़ेगी, तेरी बेटी की भी जिंदगी आ गई। मैंने भी समझा फिर, और मैं
दूसरी बात ये है कि ऐसा ना हो कि सिर्फ मेरी बेटी और मुझे ही देखे। मैं अपने ससुर जो है मैं उन्हें भी नहीं छोड़ सकती हूँ भैया। उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे मेरे बाप की तरह रखा है उन्होंने। चलो जैसे मेरे खुद के पापा है वैसे ही वो है मेरे लिए। मैं उन्हें भी नहीं छोड़ सकती। हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से जितना हो सके उतना वीडियो को फैलाने के लिए। और ऑडियंस जो भी लोग इस वीडियो को देख रहा है प्लीज एक दूसरे के ग्रुप में जरूर इस वीडियो को भेजें ताकि इनकी मदद हो सके। बिल्कुल। और इनके बारे में मतलब कि मैं बता दूं कि ये हर चीज के लिए ये बोल रही है कि मैं शादी अगर जो मुझसे लड़का करेगा उसे मतलब गहना 1.5-2 लाख रुपए का लगभग गहना हो गया, जमीन हो गया, और मतलब FD कितना का था? 5 लाख का FD था, तो FD हो गया। तो ये सारा चीज आपको मिल जाएगा अगर आप शादी अगर इनके इनसे अगर कर सकते हो और इच्छुक हो और इनका ख्याल रख सकते हो, इनके साथ साथ इनके बच्चे का अगर ख्याल रख सकते हो तो कमेंट करके बताएं। और मैम आप भी कुछ बोलना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूंगी भैया कि मतलब कोई मेरी बेटी को देख लेगी, मतलब ऐसा है कि मैं हाथ छोड़ के ये विनती करना चाहती हूँ कि मेरी बेटी जो है वो अभी बहुत छोटी है और अगर कोई मुझसे शादी कर लेगा तो मेरे साथ साथ उसकी भी जिंदगी संवर जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई भी मुझसे शादी करना चाहता है तो अपना नंबर कमेंट में डाल दे, मैं देख लूंगी, उस नंबर कॉल करके देखूंगी। अगर कोई भी, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप सबसे, प्लीज कोई भी हो तो घबराइए मत। मतलब बहुत बड़ी बात है कि भाई एक ससुर जो मुश्किल से 7-8 हजार रुपया महीना कमाते हैं और इनका देखभाल करते हैं अपने बेटे के खोने के बाद भी, तो एंड में कोई और तरीका नहीं बचा, तब उन्होंने मुझसे ये बात बोली। बोल रहे थे कि बेटा मैं किस तरीके से तुझे बात बोलूं, लेकिन बेटा मैं क्या कर सकता हूं, मैं भी बूढ़ा हो गया, मुझे भी मजबूरन ये करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे का ख्याल रखे और थोड़ा सा समझदारी के साथ काम रखे, चाहे वो जैसा भी हो, मतलब लड़का अंधा हो, काना हो, लंगड़ा हो, बस डिवोर्सी हो, कोई मतलब नहीं है, बस आपका ख्याल रखें। तो दोस्तों अगर इनसे शादी करना चाहते हो तो कमेंट में अपना नंबर छोड़ें और मैं हमारी पूरी टीम कोशिश करेगी आपसे बात करके और इनसे कांटेक्ट कराने की। थैंक यू सो मच। और क्या नाम बताइए आप? रिम्पा। इनका नाम रिम्पा है। जो भी लोग अगर इच्छुक हो प्लीज हमें बताएं। थैंक यू सो मच भैया, आपके लिए भी थैंक यू सो मच कि आपने हमारे लिए इतना सब कुछ किया भैया। थैंक यू सो मच भैया, हाथ झुक रही हूँ। नहीं कोई नहीं, चलिए बच्चे को संभालिए। थैंक यू सो मच।